आगे बढ़ेंगे। हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही। कौमी असेंबली में ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ह कर दिया है, कहा मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी अवाम और फौज के दरमियान खला पैदा कर रही है। बानी पीटीआई 9 मई की सीसीटीवी फुटेज के लिए केस करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क इस दौर में सिर्फ तभी तरक्की करेगा जिस वक्त आईन और कानून की बालादस्ती होगी। सीसीटीवी कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, 18 मार्च की सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए केस भी करेंगे कि सीसीटीवी फुटेज सामने लाए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज एक केस में उसको सप्रेस करना, उसको दबाना और छुपाना, ये बजाते खुद एक जुर्म है। आगे बढ़ेंगे। हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही। कौमी असेंबली में ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ह कर दिया है, कहा मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी अवाम और फौज के दरमियान खला पैदा कर रही है। बानी पीटीआई 9 मई की सीसीटीवी फुटेज के लिए केस करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क इस दौर में सिर्फ तभी तरक्की करेगा जिस वक्त आईन और कानून की बालादस्ती होगी। सीसीटीवी कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, 18 मार्च की सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए केस भी करेंगे कि सीसीटीवी फुटेज सामने लाए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज एक केस में उसको सप्रेस करना, उसको दबाना और छुपाना, ये बजाते खुद एक जुर्म है।